welcome back to star galaxy channel recently we have studied how to use simple trick to find out the hybridization of simple molecules not coordination compounds but simple molecules now we will use vscpr theory to find out the hybridizations of remaining molecules see we will start with sf4 let's start sf4 Here, is central metal atom Here, is central metal atom यहाँ पर ऐसे और यहाँ पे फ्लोरिन साइड आइटम या फिर लिगेंस बोल सकते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं पहले हम देखते हैं पहले तो हमने देख लिया कि पूरा पूरा मॉलिक्यूल है कैसा है न्यूट्रल है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है दिस मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल इन नेचर इट डजेंट कंटेन एनी चार्ज नाउ फर्दर हम देखेंगे यहाँ पे एज जो सेंट्रल मेटल आइटम है इसका एटॉमिक नंबर सिक्सटीन होता है इसके अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थ्री पी फोर वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व ट्वेल्व फोर सिक्सटीन तो इसके क्या आ गए यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है ये आ गए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो हम इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टेप वन में क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो डायरेक्ट स्टेप वन यूज करेंगे हम ऑक्सीजन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे स्टेप वन में वी विल सी ग्राउंड स्टेट हम इसकी ग्राउंड स्टेट बनाने वाले हैं इन स्टेप वन ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट कैसे बनाएंगे हम हम तो इसकी ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं एक तो हमारे पास एस ऑर्बिटल है और एक हमारे पास पी ऑर्बिटल है एस में ए की ऑर्बिटल होती है पी में वन वन टू वन टू थ्री होती है लिख भी सकते हो उसको थ्री एस दीज आर थ्री पीस वहीं होता है ना कि पी एक्स पी वाई पी जेड करके ऑर्बिटल्स होती है उस तरीके से नौ थ्री एस में दो इलेक्ट्रॉन्स है एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की स्पिन में एक इलेक्ट्रॉन नीचे की स्पिन में और चार इलेक्ट्रॉन से पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एक और ऑर्बिटल में दो ही आ सकते हैं तो एक दो तीन चार इस तरीके से हमने से फिल कर दिया वन टू तो, थ्री फोर फोर और दो एस में विल गो फर्दर और अब हम बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में हमें कुछ नहीं करना है हमें जितनी ऑर्बिटल्स चाहिए हम उतनी ऑर्बिटल्स खाली कर देंगे क्योंकि हम फ्लोरिन एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का ऐड होने वाला है हम फ्लोरीन से पेयर करने वाले फ्लोरीन कितने चार तो हमें चार ऑर्बिटल्स ऐसी चाहिए जिसमें एक एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो ताकि फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन उसका पेयर हो सके दो तो है दो नहीं है तो हम क्या करेंगे अगर हम यहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दें अगली ऑर्बिटल में तो यहाँ पर भी एक स्पेस बन जाएगा और उस ऑर्बिटल में भी एक स्पेस होगा तो हमारे पास टोटल चार चार प्लेसिस बन जाएंगे चार इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरिन के एकोमोडेट करने के लिए ऑर्बिटल्स में तो लेट्स एस को तो हम यहाँ पर नहीं छेड़ेंगे एस तो ऐसा ही रहने वाला है पी में होगी एक्साइटेशन पी के बाद क्या आती है एस पी टी वन टू थ्री फोर ए आई डी और ये हमारे पास था थ्री पी ठीक है तो हम यहाँ से क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एक्साइट करेंगे यहाँ पे वन टू थ्री और दिस इज़ फोर ये हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया है मान लो यहाँ पे मैं डी ऑर्बिटल से एक दो तीन चार यहाँ से जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट हुआ है ये एक्साइट हुआ है डी ऑर्बिटल में तो हमारे पास फोर वैलेंस वैलें इलेक्ट्रॉन फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके पास स्पेस है चार इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन के पेयर करने के लिए ये चार अब यहाँ पे पेयर हो सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम स्टेप थ्री में अब ऐसे फोर मॉलिक्यूल देखेंगे कैसे होने वाला है वन वन टू वन टू थ्री फोर ठीक है थ्री एस थ्री पी और यहाँ पे थ्री डी बोल सकते थ्री ठीक है वन टू वन टू थ्री फोर अब हम यहाँ पे फ्लोरीन चार फ्लोरीन है हम शुरू करेंगे पेयरिंग करना एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन चार फ्लोरीन यहाँ पे यूज़ हो गए चार के चार फ्लोरीन यूज़ हो गए तो यहाँ पे टोटल हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई एक एस है तीन पी की फील्ड है और एक डी की फील्ड है यानी कि दैट इज एस पी थ्री डी वन हाइबर तो ये हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से इसकी एस पी थ्री डी वन हाइब्रिडाइजेशन आ गई हमने कुछ भी नहीं किया हमने देखा मॉलिक्यूल न्यूट्रल था हमने इसमें सेंट्रल आइटम सल्फर है सल्फर के हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले जो सिक्स आ गए थ्री एस टू तो थ्री पी फोर फिर हमने ग्राउंड स्टेट लिखी थ्री एस में दो थे दो फिल कर दिए थ्री पी में चार थे तो एक दो तीन फिर चार चार फिल कर दिए उसके बाद हमने देखा कि हमें चार फ्लोरीन एकोमोडेट कराने यानी कि चार इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के पेयर होने चाहिए हमारे सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसके लिए हमें ऑर्बिटल्स खाली चाहिए एक यहाँ है एक यहाँ खाली है लेकिन ये तो फिल्ड है तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डी में एक्साइट करा दिया क्योंकि एस बी उसके बाद डी आता है डी में एक्साइट करा दिया और इस तरीके से हमारे पास चार चार वैकेंस स्पेसिस बन गए इलेक्ट्रॉन्स के लिए जहाँ पर फ्लोरिन ने फ्लोरिन के साथ बॉन्ड बना दिया और लास्ट में एस वन पी की थ्री डी की वन एस पी थ्री ली है आप इसे सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं मेथड सिंपल ट्रिक मैंने पहली पार्ट वन में बताया है आपको खुद ट्राई करना है बी एफ थ्री आंसर इन द कमेंट्स लिखे आई डॉन इन कमेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग